everyone. How are you all? I hope you all are good. So today we are going to start your class 5 EVS chapter 5 seeds and seeds. Okay, it's all about seeds and I will explain lots of things about seeds. And explanation part 1 is that in this chapter we'll learn about how seed sprouted. Okay. And more things are there, I will explain in this video, lots of activities. So please concentrately look at these videos. But in these videos, one or two activities are there. And observation table also is there. And you have to observe first of all, कि हम लोग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें डे वाइज क्या ऑब्जर्व किया आपने. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेटली लुक एट दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now see here, first of all, seeds and seeds. Okay, fifth chapter, seeds and seeds. It means जो बीज होते हैं, seeds होते हैं, जिससे हमारे plant grow होते हैं, हमारे fruits grow होते हैं, ठीक है. तो हम जो भी फील्ड में, खेतों में fruits grow करते हैं, that is a chapter about it, seeds and seeds. Fifth chapter, your EVS. Okay, first of all, here one story is there. It's a Gopal. Okay, so Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. First of all, in this chapter, we'll talk about ke Gopal is there. Okay, Gopal, one boy is there. He's waiting for Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holiday. They will be the coming. Okay, next day, it means agle din aane wale the for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. He thought that ki he will enjoy a lot and he was thinking about ki all the fun, masti ke bare mein soch raha tha, alag alag cheeze khane ke bare mein he would have with his cousins. Jo apne cousins ke sath wo mastiyan karega aur wo sara enjoyment karega, wo uske bare mein soch raha tha. Just then his mother called out. उसकी मम्मी ने बुलाया, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सूक टू स्मॉल बाउल्स, इट मीन्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम. सी, उन्होंने बुलाया एंड कहा कि गोपाल सोने से पहले याद रखना कि रिमेंबर टू सूक टू स्मॉल बाउल्स, दो स्मॉल कटोरीज आपको लेनी है ऑफ चना ग्राम्स की. ओके, जो सोक किए हुए हैं. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, वो अपनी मम्मी जो उसकी थी वो उनकी बुआ के घर पे जा रही थी. एंड वुड रिटर्न इन ओनली इन द मॉर्निंग, उन्होंने कहा कि मैं सुबह आऊँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर टू सोक टू बाउल्स कटोरीज, इट मीन्स दो कटोरी जो हैं उनको सोक करके चने की, जो चना मतलब ग्राम होता है, आपके घर में भी होगा ना ग्राम चना. सो उन्होंने कहा कि मैं सुबह आऊँगी, इट मीन्स शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस, इट मीन्स गोपाल की बुआ के घर जा रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं मॉर्निंग में आऊँगी. सो ये आप ले लेना, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ, सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ व्हाट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ हिज दिस बी एनफ फॉर 8 पर्सन. उन्होंने सोचा कि टू बाउल्स चना के जो हैं वो 8 पर्सन के लिए कैसे इनफ हैं. इट मीन्स उन्होंने कहा था ना कि मम्मी ने आप जाके ये बाउल में जो भी चने रखे हैं वो ले लेना. सो उसने सोचा कि ये जो चने हैं, गोपाल ने सोचा कि हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स, छोटे छोटे दो स्मॉल बाउल्स 8 पर्सन के लिए कैसे इनफ है. सो ही सोक्ड अनदर टू बाउल्स ऑफ चना, वापस उन्होंने अलग से टू बाउल और चना के निकाले. व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग शी सो दैट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल. देखो उसने और दो बाउल्स चने के डाले तो अब वो ओवरफ्लो हो गया. अगर उसमें बाउल में आप कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डालोगे, देखो बाउल इतनी साइज़ का है और उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप और ज़्यादा चीज़ें उसमें फील करोगे तो व्हाट विल हैपन, ऑफकोर्स वो ओवरफ्लो हो जाएगा. सपोज़ कि यू आर ड्रिंकिंग वाटर ओके बाई ग्लास, और ग्लास का जो वाटर है वो आप एक्स्ट्रा उसके ज़्यादा मतलब उसकी जो कहते हैं ना उसकी क्वांटिटी कहते हैं कि क्वांटिटी मतलब ग्लास जितना बड़ा है उतना ही पानी आएगा और आप एक्स्ट्रा पानी उसमें ऐड करोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा. सेम लाइक दैट उसने दो और बाउल
ऐड किए और वो ओवरफ्लो हो गया। सो जब उसकी मम्मी रिटर्न हुई और ओवरफ्लो हो गया वेशल में से, वेशल मतलब बर्तन। सो हाउ मच डिड यू सोक, आप कैसे सोक करोगे, आस्क्ड हिज मदर, उसकी मम्मी ने पूछा। अब कैसे इसको सोक करेंगे, ठीक है, बिकॉज अब तो बाउल में ऑलरेडी उन्होंने देखा कि बाउल में से चने ओवरफ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बोला अब आप इसको कैसे सोक करोगे टेल मी, क्योंकि ये तो अब इससे ज़्यादा बाहर हो गया है। सोक मतलब क्या होता है, सी सोकिंग मतलब भिगोना। अब आप इसको कैसे भिगोगे, अब ओवरफ्लो हो गया है तो उसको कैसे भिगोगे, मतलब सोक मतलब वेट करना, चने को गीला करना था उसमें। सो हाउ डिड दैट हैपन, वंडर, ओके गोपाल, उसने सोचा आप कैसे हो गया, वो वंडर था, बहुत आश्चर्य से था कि ऐसे कैसे हो गया। इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि बाउल इज़ देयर और उसमें से चने जो हैं, ग्राम जो हैं, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। यू सोक्ड टू मच, आपने ज़्यादा भिगो दिए हैं चने। एनी वेज इट इज़ गुड नाउ, आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ ऑफ स्प्राउट, उसने कहा उनकी मम्मी ने, गोपाल की मम्मी ने, कि अगर अभी एक्स्ट्रा चने हैं तो इट्स ओके, हम लोग इसके आधे चने कुक कर लेंगे और हाफ आप स्प्राउट मतलब जो कहते हैं ना स्प्राउट, सब जो छोटे छोटे वाइट पोर्शन बाहर आ जाते हैं चने में से भिगोने के बाद, स्प्राउट्स कहते हैं उसको, ओके। इट मीन्स अलग से सीडलिंग होती है, सीडलिंग प्रोसेस इज दैट, तो इसका मतलब है कि वो रूट्स होती है ना, रूट बाहर आ जाती है, रूटर, तो वो छोटी छोटी वाइट कलर की रूट बाहर आ जाती हैं तो वो से कहते हैं स्प्राउट्स। मदर सेड, उन्होंने कहा आई कैन सेंड दीज टू योर आंटी एंड द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, ओके। उन्होंने कहा कि मैं ये आंटी को भिजवा दूंगी ताकि आपकी जो उनकी आंटी थी उनको डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे भीगे हुए चने खाना ज़रूरी है, मदर ने कहा गोपाल को। शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना, उन्होंने बांधे इन द वेट क्लोथ, गीले कपड़े में वो आधे चने उन्होंने बांधे एंड हंग दैम अप टू स्प्राउट, और उन्हें लटका दिया, कहाँ पर, उनको स्प्राउट होने में मतलब सीडलिंग प्रोसेस के लिए उन्हें लटका दिया, जैसे आपकी मम्मी कभी ग्राम चने जो हैं वो भिगो देती हैं, ओके, गीले कपड़े में बांध कर उसे कहीं हैंग आउट कर देते हैं, कहते कहीं लटका देते हैं, ठीक है। इस तरह से उन्होंने वो चने को लटका दिया। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, पहले तो उसको क्या था, उसकी मम्मी ने कहा था कि टू बाउल्स चने अच्छे से उसे खा लेना, ठीक है। अब उसने ये सोचा कि 8 पर्सन आ रहे हैं, उसके कज़िन्स आ रहे हैं, और कज़िन्स आएंगे तो ऑफकोर्स उसे ज़्यादा चने की ज़रूरत होगी, उसने 2 बाउल और ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो होने के बाद आई कैन सैंड, उन्होंने कहा उनकी मम्मी ने कि मैं आप ये ओवरफ्लो जो चने हुए हैं उसको आपको आंटी को भिजवा दूंगी, बिकॉज आंटी को डॉक्टर ने ये स्प्राउट्स वाले चने खाने को बोला है, ठीक है। उन्होंने बांधे और चने को ब्रेड क्लोथ में और उसको लटका दिया, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ, दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन ड्राई सीड्स, ओके, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू एंड द ऑब्जर्वेशन ऑल्सो आई विल शो यू हाउ टू डू विद अ पेंसिल इन योर टेक्स्ट बुक ओनली, बट हियर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ड्राई सीड वी हैव टेकन एंड आफ्टर सोकिंग इन वाटर, जब पानी में भिगो देते हैं आफ्टर दैट, ओके, ये थोड़े फूल जाते हैं, ओके, एंड फूलने के बाद यू कैन सी इन अनदर पिक्चर कि इस तरह से होता है, तो आप उसको नेल से भी ओपन कर सकते हो, बिकॉज वो पानी में सोक करने के बाद थोड़े फूल जाते हैं, ठीक है। तो द सीड इज़ कवर्ड विद द सीड कोट, इसे सीड कोट कहते हैं, क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं, जो इससे कवर्ड हो जाता है, सीड कोट, ठीक है, सीड कोट आफ्टर कवर्ड विद द सीड कोट। नाउ नेक्स्ट थिंग, जब सीड एब्जॉर्ब वाटर, जब सीड वाटर एब्जॉर्ब करती है एंड स्वेल्स अप इनटू डबल ऑफ इट्स साइज, आपको पता है जब चने को भिगाते हैं पानी में और उसके बाद जब हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं तो क्या होता है, वो चने सीड्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड स्वेल्स मतलब थोड़े बड़े हो जाते हैं, ओके, बड़े हो जाते हैं एंड डबल साइज के हो जाते हैं, जस्ट लाइक स्पंज एब्जॉर्ब वाटर, स्पंज देखा है आपने, ओके, जो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होता है और अगर उसमें वाटर उसमें डीप करेंगे वाटर में तो वो भी इस तरह हो जाता है, ठीक है। सो अंडरस्टूड कैसे होता है ये सब चीज़ें, पता चला आपको, ओके, वो फाइन। नेक्स्ट थिंग आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये पता चला ड्राई सीड को कैसे एक्टिविटी करनी है, आई विल शो यू हाउ टू डू एक्टिविटी। सी दिस पिक्चर, आपकी मम्मी है ना इस तरह से अगर करेंगी, ठीक है,
अगर किसी वेट क्लॉथ में उसको चने को अच्छे से भिगो के, ठीक है, और उसको कहीं हैंग आउट मतलब लटका देंगे अच्छे से, देन नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व दैट स्प्राउट्स आउट. ओके, स्प्राउट्स आउट मतलब इसमें जो ये रूट्स होती हैं थोड़े बाहर आ जाते हैं चने में से, ग्राम में से. सो ऐसी एक्टिविटी अगर आप अपने घर में करोगे, एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू ऑल्सो. जो ग्राम होते हैं, चने होते हैं, वो खाना बहुत हेल्दी होता है. और इस तरह से अगर हम डेली हम लोग ये चने को भिगो के खाते हैं तो हमारा स्टमक बिल्कुल क्लीन रहता है, हमारे स्टमक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. आप प्लीज़ वीडियोस को प्रॉपरली देखो. सारी वीडियोस में मैंने ईच एंड एवरीथिंग आई एक्सप्लेन. सी दीज क्वेश्चंस आर गिवन एज यू नो इन योर टेक्स्ट बुक. सो व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको भिगोया जाता है आपके घर में खाने से पहले, और क्यों भिगोया जाता है. सपोज़ आप साबूदाना खाते हो, साबूदाना आपको पता होगा कि सब लोग खाते हैं, और उसको साबूदाना हम लोग ना कभी भी बिना सोक किए नहीं खा सकते हैं. उसको एटलीस्ट अगर आपको शाम को बनाना है तो मॉर्निंग में उसको भिगोना पड़ेगा पानी में, राइट. सो वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, ठीक है, दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट. पूरी नाइट उसको पानी में पहले भिगोया जाता है, देन द वाटर इज ड्रेन आउट, पानी उसमें से बाहर निकाला जाता है, एंड दे आर कैप्ट इन ए बास्केट और अ सस्पेंडेड इन अ क्लोथ, ठीक है, सो दैट दे कैन गेट एयर. इसीलिए उनको एयर मिल सके, इसीलिए उन्हें बास्केट में या किसी भी क्लोथ में रखा जाता है. चना टेक्स अबाउट 36 to 48 hours टू स्प्राउट, कितने, 2 दिन लेता है या फिर 1.5 दिन लेता है. तो उसको जाने को जब स्प्राउट्स और मतलब उसमें से जो वाइट कलर के स्प्राउट्स बाहर लाने होते हैं ना, तब उसमें कितने आवर्स लगते हैं, 36 to 48 hours. वाइल मूंग टेक्स अबाउट 24 to 36 hours. मूंग जो है वो कितना टाइम लेती है, 24 to 36 hours मूंग, ठीक है. चने को भिगने में ज़्यादा टाइम लगता है, मूंग जो मूंग दाल होती है ना उसमें 24 hours, मतलब 24 hours मतलब एक दिन लगता है पूरा, एंड 36 hours. ओके, सो हियर व्हाट थिंग्स डू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. देखो हाउ आर दे स्प्राउटेड एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, इसका आंसर है ये, ठीक है. बट फर्स्ट का आंसर भी इसी में ही है कि व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. तो हमें क्या लिखना है, वी ईट चना. जैसे आपको अगर कुछ और खाते हो तो यू कैन राइट कि वी ईट मूंग एंड ऑल, ठीक है, चना एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग, दे आर सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट, फाइन. अब इसमें पूछा है कि व्हाट थिंग्स डू यू ईट, तो हमें पता है हम क्या खाते हैं कि वी ईट एंड दीज थिंग्स, ओके, एंड देन वाटर ड्रेन आउट, और कितने आवर्स रखा जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई है इस आंसर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैज़ द डॉक्टर और समवन हु, ओके, यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स, व्हाई. यस, डॉक्टर एडवाइस करते हैं ऑलवेज कि वी हैव टू ईट स्प्राउटेड सीड्स, व्हाई, बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिएंट्स, ओके, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है उसमें. डॉक्टर हमेशा हमें हमारे स्टोमक के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ऑलवेज एडवाइस करते हैं, ठीक है. Do this activity here. Do this and find out. We have to do this activity. Do you remember in class 4 you did an activity with seeds? In the previous standard, 4th standard, you did a activity, okay, about the seeds. So here now try another one. Aap dusre try kar sakte ho activity. So take some chana and 3 balls. Aap, theek hai, ye activity karni hai. You have to do this activity according to this. टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रोसेस. टेक सम चना एंड 3 balls. पुट 5 chana इन द फर्स्ट बाउल, फील इट अप विद अ वाटर. 5 chane लेने हैं और फर्स्ट बाउल में फील कर देना है. नेक्स्ट पुट अ डम पीस ऑफ क्लोथ और सम कॉटन वुल इन द सेकेंड बाउल. सेकेंड बाउल में डम करना है डम पीस ऑफ क्लोथ और सम कॉटन वुल. कॉटन वुल हो जाए ना, जो कॉटन के हम लोग वुल्स होते हैं, वो सेकेंड बाउल में. Now keep the same number of chanas in it. Same number of chana उसी में भी रखना है. Make sure that the cotton wool or cloth remain wet. याद रखना कि cotton wool ले रहे हो या cloth ले रहे हो, वो हमेशा wet होना चाहिए. Understood? अगर वो wet गीला होगा तो आपको sprouts out मतलब आपकी ये जो activity है बहुत helpful होगी आपके लिए. So this activity you have to do. Okay? Next to put the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. अब उसमें आप कुछ नहीं रखोगे. सेकेंड वाले बाउल में तो आपने वेट क्लोथ या कॉटन वुल रखा है, ओके,
चने रखे हैं, सेम नंबर ऑफ चनास, एंड थर्ड बाउल में आपने चना तो रखा है बट कुछ और नहीं किया, ठीक है, कुछ और जो एडिशनल चीज़ें हैं वो ऐड नहीं की, कवर ऑल द थ्री बाउल। फर्स्ट बाउल में आपने क्या किया पहले टेल मी, फर्स्ट बाउल में आपने क्या किया, सेकंड बाउल में क्या किया। सी, फर्स्ट बाउल में हमने चने लिए, फाइव चने लिए, ओके, एंड उसको वाटर से फिल कर दिया। सेकंड में हमने एक कपड़ा लिया वैड, ओके, सेकंड बाउल में, उसके बाद उसमें चने रखे, फाइव चने ही रखे हैं, ठीक है, फाइव चने ही सेकंड वाले बाउल में रखे हैं। थर्ड बाउल में फाइव चने तो रखे हैं लेकिन वैट क्लोथ नहीं रखा है, बस उसको कवर करके रख दिया है। सो दिस प्रोसेस एंड दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वेशन के बाद, आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन, आफ्टर टू डेज नोट द चेंजेस इन द बाउल्स। दो दिन के बाद आपको बाउल्स में चेंजेस दिखाई देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, कि आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या आर द सीड्स एंड गेटिंग एयर, फर्स्ट बाउल में नो, ऑफ कोर्स नॉट, आर द सीड्स गेटिंग एयर, नो, यहाँ पर तो एयर मिल रही है ना क्योंकि इसको कवर कर दिया, इसमें कोई वो नहीं है। एंड थर्ड में ऑल्सो आर द सीड्स गेटिंग एयर, यस, उसमें भी एयर मिल रही है। वॉट आर द सीड्स गेटिंग वाटर, तो वो भी आपको बताना है एक्टिविटी में, सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू दिस एक्टिविटी, ओके। सो नाउ हियर विल डू दिस एक्टिविटी, सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेक थ्री बाउल इन योर होम एंड दिस एक्टिविटी विल डू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, एक्टिविटी प्रोसेस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। टेक सम चना एंड थ्री बाउल्स, ओके, पुट फाइव चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विद वाटर। देखो, फाइव चने को रखा है उसके अंदर, फर्स्ट बाउल के अंदर, एंड देन फिल इट अप विद वाटर, वाटर को फिल किया है, ओके, उसके अंदर स्लोली स्लोली थी। सी, विल सी कि फर्स्ट एक्टिविटी हियर विल डू, फर्स्ट बाउल में हम लोग वाटर फिल करेंगे अच्छे से, ओनली फाइव चनास लेने हैं, ठीक है, फर्स्ट बाउल में, अंडरस्टूड। एंड ये एक्टिविटी आप यहाँ से देख के आप अपने घर पे भी कर सकते हो, एंड दिस एक्टिविटी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। और सेकंड बाउल, ठीक है, पुट ए डैम पीस ऑफ क्लोथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बाउल। कॉटन वूल जो सेकंड बाउल में रखा है, यू कैन सी इन प्रॉपरली के सेकंड बाउल में कॉटन पीस रखा है। एंड हियर, कॉटन पीस रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें कीप द सेम नंबर ऑफ चना, ओके, इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल सम कॉटन वूल लिया इन द सेकंड बाउल, बट उसको भिगो देंगे पानी से, आप अच्छे से देख सकते हो आपके घर में कॉटन वूल होगा, उसको पानी से भिगो देंगे। एंड भिगोने के बाद हम उसमें सेम नंबर ऑफ चनास पुट करेंगे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ चनास को पुट किया। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और कॉटन रिमेन वेट, ध्यान रखिए कि ये वेट होना चाहिए, गीला होना चाहिए ये कॉटन वूल, जो आप कॉटन क्लोथ भी ले सकते हो उसकी जगह, अगर आपके घर में कॉटन वूल नहीं है तो ये चना और हम लोग फाइव चने सेम नंबर ऑफ चनास को ऐड कर दिया। देखो, सेकंड बाउल में भी वही किया हमने, फाइन। अब थर्ड बाउल, उसमें क्या करना है, प्लीज कॉन्सेंट्रेटली लुक एट हियर, दिस एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फाइव चना लिया, ठीक है, पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द बाउल, ओके, सेम नंबर ऑफ चनास लिए बाउल में। अब उसमें लेने के बाद डू नॉट पुट एनीथिंग, कुछ भी उसमें पुट नहीं करना है, ओके, एनीथिंग एल्स इन, ओके, डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, कवर ऑल द थ्री बाउल्स, कवर कर दिया तीनों बाउल्स को, अच्छे से कवर करना है तीनों बाउल्स को, आप कोई भी प्लेट ले सकते हो, कुछ भी कवर करने के लिए ले सकते हो। देन कवर करने के बाद आपको दिखाई क्या देगा, क्या ऑब्जर्व करोगे आप कवर करने के बाद, थोड़े टाइम के लिए उसको कवर करना होगा, ठीक है, सम टाइम के लिए उसको कवर करके रखना होगा। और तीनों बाउल में आप कोई भी बाउल ले सकते हो, आप देखो क्या दिखेगा, सी, कुछ चेंजेस दिखे आपको, यस, सबसे ज़्यादा चेंज हमें सेकंड बाउल में दिखा है, कैसे, सी, स्प्राउट्स आउट, ओके, स्प्राउट्स आउट मतलब जो उस वाइट कलर के स्प्राउट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा चेंजेस हमको कहाँ देखने को मिला है, सेकंड बाउल में, यही ऑब्जर्वेशन आपको करनी है। फर्स्ट बाउल में देखा कि द सीड्स गेटिंग एयर, उनको एयर नहीं मिली थी, ठीक है, नो, उसको एयर नहीं मिली थी, बट यहाँ तो सेकंड बाउल में आप देख सकते हो
क्या चेंज आया? स्प्राउट्स आउट. ये आपको सारे चेंजेस, ये ऑब्जर्वेशन ही आपको कहाँ करनी है, वो ऑब्जर्वेशन आपको आपके टेबल में फील करनी है. ठीक है, आई शो वन टेबल देन यू हैव टू फील दैट ऑब्जर्वेशन. ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आपको वो टेबल ही फील करना है. ठीक है, विद अ पेंसिल यू कैन डू स्टूडेंट, बट इन टेक्स्ट बुक ओनली. थर्ड में क्या देखा? नो चेंजेस, किसी चीज़ में भी चेंजेस नहीं आए, जैसे एज इट चने थे वैसे ही हैं. ठीक है, इसमें एयर नहीं मिली ना वाटर मिला, तो ये कैसे स्प्राउट्स होंगे? सो अंडरस्टूड, दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन. इफ यू हैव डन दिस एक्टिविटी यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दी थिंग्स. ओके, कैसे करोगे ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर फर्स्ट बाउल वी हैव टेकन, सेकेंड बाउल वी हैव टेकन, ठीक है, एंड थर्ड बाउल ऑल्सो वी हैव टेकन. नेक्स्ट, फर्स्ट में दिया था कि आर द सीट्स गेटिंग एयर, यस उनको एयर मिल रही है. फर्स्ट बाउल में तो नहीं मिल रही, सेकेंड बाउल में यस, उसमें थर्ड बाउल में भी मिल रही है. बट आर द सीट्स गेटिंग वाटर, यस द सीट्स स्वेल्ड, उसको पूरी तरह से फूल चुकी है. देखिए फर्स्ट बाउल में अगर पानी में भिगोया जाता है तो अंडरस्टूड, वाटर में हम लोग डीप करते हैं जैसे. एंड यस, सेकेंड बाउल में भी यही होता है कि वाटर में डीप करते हैं, स्वेल अप एंड स्प्राउटेड, बाहर स्प्राउटेड हो जाता है. बट नो चेंज इन थर्ड बाउल. ठीक है, थर्ड बाउल में कोई चेंजेस नहीं होता है. आई विल शो यू दिस एक्टिविटी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमने अभी अभी एक्टिविटी में जो एक्टिविटी की है उसमें देखा है कि इसमें किस तरह से किया है. ठीक है, तो तीनों बाउल में कैसे, वन बाई वन आप क्या लोगे? सीड लोगे. एक में वाटर में फील करोगे, फिर दूसरे में कॉटन को वेट करने के बाद उसके ऊपर क्या रखोगे? सीड रखोगे 4 to 5. एंड देन थर्ड बाउल में आप ना तो कोई कॉटन रखोगे, जस्ट ओनली सीड रखोगे, तो कोई चेंजेस नहीं है. तो हैव यू द सीड स्प्रॉटेड? फर्स्ट बाउल में तो स्प्रॉट नहीं हुआ, सेकेंड बाउल में हुआ, येस, बिकॉज हमने कॉटन सीड में रखा था. राइट, कॉटन का जो था वूल, कॉटन वूल में रखा था, इसीलिए उसमें स्प्रॉटेड हो गए. एंड थर्ड बाउल में भी स्प्रॉटेड नहीं हुआ. तो ये सारे चेंजेस है जो बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं. फाइन, नेक्स्ट है, इन विच बाउल डिड द सीड स्प्राउट? किस बाउल में सीड स्प्राउट हुआ? व्हाट द डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड द अदर बाउल्स? क्या डिफरेंस है ओके इस बाउल में और दूसरे अदर बाउल में? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम क्लोथ? ओके, क्यों चने को बांधा हुआ था गीले कपड़े में, जो चने को गोपाल की मम्मी ने बांध के रखा था, क्यों बांध के रखा था? ठीक है, वो रीज़न देना है हमको. ओके, नमी मतलब डैम, मतलब नमी, डैम मतलब नमी होता है. ठीक है, तो उसमें गीले कपड़े मोस्ट जहाँ पर नमी रहे ऐसे कपड़े में बांध कर रख दिया था, इसीलिए दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोग समझे. सी, दिस इज द आंसर. सो फर्स्ट का आंसर ये है कि सीड कुड नॉट, सॉरी, सीड कुड स्प्राउट इन टू बाउल ओनली, दो बाउल में हुआ. क्यों? इन द बाउल टू, टू बाउल में देखो क्या हुआ था, द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, दोनों चीज़ मिली उसको. ओके, एंड हैंस कुड स्प्राउट, और उसके बाद वो स्प्राउट हो गई. ये हैंस इसमें एंड आएगा. ठीक है, ऑन द अदर हैंड इन बाउल वन ओनली वाटर वॉज अवेलेबल एंड हैंस द सीड्स कुड नॉट स्प्राउट. इन द थर्ड बाउल देयर वॉज नो वाटर नो एयर हैंस द सीड्स कुड नॉट स्प्राउट आउट. ये तीनों रीज़न है जो आपको अच्छे से पहले पढ़ने हैं. एंड आई विल आस्क इन जूम लेक्चर डेफिनेटली दीज रीजन्स. ओके, तो आपको ये सारे रीजन्स बताने हैं. अंडरस्टूड, सीड्स कुड स्प्राउट इन बाउल टू. ओके, पहले बाउल टू में हो गया, बट क्यों? क्योंकि सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर, इसीलिए स्प्राउट हुए ना. बट बाउल वन में ओनली वाटर मिला था अवेलेबल. ओके, एंड हैंस सीड कुड नॉट स्प्राउट, क्योंकि ओनली वाटर मिला था, एयर नहीं मिला था. इन द थर्ड बाउल ना तो वाटर मिला ना एयर मिला, इसीलिए वो स्प्राउट नहीं हुए. अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स? नेक्स्ट आंसर है आपका, देखो सी, कि गोपाल की मदर ने चने को टाई करके क्यों रखा? गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम क्लोथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर. गोपाल्स मदर टाइड द चना इन डैम क्लोथ सो दैट सीड्स कुड गेट बोथ वाटर एंड एयर, दोनों चीज़ उनको मिली. ठीक है, अंडरस्टूड ऑल द आंसर्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वीडियो यू हैव टू सी प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट पेज, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर. ओके, दाल, मसूर दाल जो हमें मिलती है, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी. कैन यू थिंक व्हाई? सी, जो मसूर दाल होती है
ओके, उसको आप स्प्लिट करते हो तो आपको मसूर दाल मिलती है। बट आप इस मसूर दाल को जो ये ऑरेंज कलर की है उसे आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो, ओके, स्प्राउट नहीं कर सकते हो। क्यों? इसका रीज़न भी है, सी वन रीज़न आई टेल यू। फर्स्ट, आप ये देख रहे हो जो चना है, ठीक है, इसे स्प्राउटेड है। क्यों? बिकॉज जब हमने इसको पूरी नाइट इसको वाटर में वेट करके रखा, भिगो के रखा, देन वन जो कवर होता है इसका, ओके, कोट कहते हैं, ओके, कोट बाहर आ गया एंड उसमें से एक सीड बाहर निकलती है, जिसे ग्राम चना कहते हैं ना, चना, तो ये स्प्राउटेड हो जाता है जब हम इसको गीले कपड़े में बांध के रखते हैं ऑन दैट टाइम। सी, जब इसको स्प्लिट करते हो, बीच में से आप स्प्लिट मतलब ब्रेक करते हो, तो देखो इस तरह की दिखती है ये जो भी सीड है, ये वन टाइप ऑफ सीड, आप उसको किसी भी चीज़ से पकड़ के ऐसे देख सकते हो कि टू स्प्लिट, इट मीन्स टू इक्वल हर्ब्स कहते हैं ना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक सीड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दिस इज़ अ बेबी लीफ, ठीक है, बेबी लीफ होता है ये, इसे बेबी लीफ कहते हैं। तो अब अगर आप स्प्लिट करोगे किसी भी सीड को तो वो ऐसा दिखाई देगा, फिर ये बेबी रूट है, ठीक है, बेबी रूट के बाद कोटिलेडंस, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोटिलेडंस जो प्रोसेस होने के बाद पूरा एक सीड रेडी होता है, एंड वन वीडियो ऑल्सो आई मेंशन इन दिस वीडियो, एक वीडियो है जो जर्मिनेशन ऑफ सीड का है और बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें, तो आप प्लीज़ सारे वीडियोस प्रॉपरली देखो। तो स्प्लिट कैसे होती है कोई सीड और किस तरह से स्प्लिट किया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, ओके। जब आप किसी भी चीज़ से इसको पकड़ के देखते हो तो आपको टू इक्वल हर्ब्स में दिखाई देता है, जिसमें बेबी लीफ, बेबी रूट एंड कोटिलेडंस होता है, ठीक है, कोटिलेडंस भी आपको देखने को मिलता है, फाइन, एंड पूरी रिसाइकल है, मतलब पूरा ये जब आप सीड को जर्मिनेट होते हुए देखोगे इन दिस वीडियो, देन यू विल गेट टू नो कि किस तरह से सीडलिंग होता है, ओके, एंड रेडिकल्स है, ये प्लांट की प्रोसेस है एंड जर्मिनेशन ऑफ प्लांट। कोटिलेडंस आर स्टोर हाउस ऑफ फूड, कोटिलेडंस क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ द फूड फॉर द बेबी प्लांट, बेबी प्लांट के लिए उसे क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस। जो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ना स्प्लिट करने के बाद सीड, उसमें होता है कोटिलेडंस स्टोर करता है, स्टोर हाउस होता है फूड का, ठीक है। यहाँ पर है, लुक केयरफुली एट योर स्पाउटेड चना एंड मेक इट्स ड्रॉइंग, तो आप इस तरह से ड्रॉइंग भी बना सकते हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वन वीडियो इज देयर, टू कोटिलेडंस इन सीड, दो कोटिलेडंस हैं सीड में, एंड क्या है देखो, पहले तो लीव्स होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, ये सारी चीज़ें देखो, लीव्स दिख रहे हैं ना ऊपर, ठीक है, लीव्स होता है उसे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस कोटिलेडंस में, इस सीड में, देन रूट एंड फिर है डाइकोटिलेडंस, मतलब दो हैं इसीलिए डाइकोटिलेडंस बोला गया है, रूट, स्टेम, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस वीडियो। तो ये आप ड्रॉ भी कर सकते हो, अच्छे से बना भी सकते हो, ओके। तो सी, आपको कुछ और ज़्यादा नहीं करना है इसमें, बस ड्रॉ करना है एंड वन वीडियो है जो आपको देखना है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो अब इसके बाद ये ऑरेंज दाल को हम स्प्राउटेड नहीं कर सकते, बिकॉज ये सीड ना ऐसी हो जाती है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जर्मिनेशन, आर नेक्स्ट टॉपिक, जर्मिनेशन ऑफ शीट्स। हियर विल सी हाउ टू जर्मिनेट अ शीट। सो वी कैन से कि मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अ शीट, बट डू यू नो हाउ अ स्मॉल शीट टर्न्स इंटू सच अ बिग प्लांट? वेल, लेट्स फाइंड आउट। हमें देखना है कि एक छोटे से शीट से एक प्लांट बड़ा कैसे होता है, ओके। सो विल टॉक फर्स्ट जर्मिनेशन, डिफाइन द प्रोसेस बाय विच अ सीड दैट इज गेटिंग ऑल द सुटेबल कंडीशंस ग्रोज इनटू अ प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सो व्हेन वी से सुटेबल कंडीशन, That means what? All the things needed by a seed to germinate. Those things are water, warmth, and air. Here, each seed has a tiny baby plant called embryo inside it. Okay? Once a seed gets water, warmth, and air, the embryo literally walks up and starts growing to form a baby plant. आप सोचोगे कि ये प्लांट को फूड कैसे मिलता है? वेल, कोटिलेडंस ऑफ द शीट्स आर स्टोर हाउसेज ऑफ फूड फॉर द बेबी प्लांट, ओके।
The baby plant starts to grow and first part of merge from it is called radicle. It slowly starts to growing in the downward direction. Next, the plumule merges out from the embryo and starts growing in the upward direction. Okay, here radicle develops the form of root system of the plant. Well, the plumule gives rise to the shoot system bearing the leaves and branches of the plant, and this plant is called seedling. The cotyledons keep providing food to the seedling until leaves formed starts making food for the plants. Okay, at the end hame kya milega, gives flowers, fruits and more seeds. Okay, after growing the plant. Okay students, so thank you so much, please understand this chapter properly. Now we will do one interesting activity. Few wheat seeds in a bowl and add some water in it as shown in figure. Okay, the next day you will observe the change in wheat seeds as shown in the figure. Fir here on third day you are able to see the sprouts of wheat seed are completely formed. Okay students, same here similarly now we will observe for mung seeds. Let's take few mung seeds in a bowl and add some water in it as shown in the figure, mung seed day 1. Okay, day 2 same, in next day you will observe that change in mung seed as shown in image. On day 3 you will able to see the sprouts of mung seed are completely formed. Okay, thank you students.